हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए शाम का टाइम है, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं ऊपर अपना कुछ काम करने के लिए आई हूँ। तो मैं आपकी कुछ क्वेश्चंस थे उसके बारे में मैं बताऊँगी जो मुझे पूछे गए थे कि आपने स्टैंड जो है अपने पॉट्स को अरेंज करने के लिए जो किस चीज़ से आपने अरेंज किए हैं और कैसे आपने अपने स्टैंड को बनाया है। तो देख सकते हैं आप, मैंने ये सब जो है इस तरह वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके जो है अपना स्टैंड बनाया है। इसमें कोई भी मैंने खर्चा नहीं किया है, तो मैं धीरे धीरे करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है, यहाँ पर मैंने दो स्टेप्स बनाए हैं ऊपर और नीचे, और ये है फ्रेंड्स पत्थर, जो ज़मीन पे बिछाने वाले जो पत्थर होते हैं वो इस तरह लंबा लंबा साइज में है। देखिए इतने सारे लंबाई में, इतना लंबाई है, शायद ये 5 फीट का है, 4 या 5 फीट का होगा ये। तो ये जो है मुझे 120 रुपीज का एक पड़ा है। इस ये मैंने दो पीसेस मैंने लाए थे, और उसके नीचे जो है मैं ईंटों को, देखिए इस तरह जो ईंटें हैं उसके जितने भी अपने हाइट चाहिए उतने हिसाब से मैंने इनको अरेंज किया है यहाँ पर। उसके ऊपर मैंने इसको बनाया है। अगर ज़्यादा लंबाई है तो इसके लिए मैंने बीच पर भी, देखिए इस तरह बीच पर भी जो है मैंने सपोर्ट दिया है, क्योंकि लंबाई जो है इसका ज़्यादा है तो मैं तीन तरफ, दोनों साइड की तरफ और बीचों बीच दो ईंटें लगाकर मैंने उसको सपोर्ट दिया है। तो इस तरह इस तरह जो है मैंने अपने पॉट्स जो है वो मैंने अरेंज किया है, और इससे भी मैंने उसी तरह किया है, लेकिन कुछ इस तरह वुड्स जो स्ट्रांग वुड्स थे, ये प्ले वुड नहीं है, वुड्स है मजबूत वाला जो वजनदार होता है वो वाला है, ये बहुत साल पुराना है। तो ये भी मेरे यहाँ बहुत सारे थे, ये मैं बता देती हूँ, जहाँ वहाँ पर जो स्टैंड है थ्री स्टेप का उसके बीच का बीच में ये डालने वाले इस तरह का मुझे 3 मिले थे, तो मैं उसको यूज नहीं कर रही थी, तब मैंने लाकर इनको उसी तरह नीचे ईंटें मैंने अरेंज कर देखिए उसी तरह मैंने और 2 यहाँ पर स्टेप बनाया है। उसके बाद जो भी मुझे छोटे छोटे पत्थर मिलते थे उसको भी मैंने थोड़ा हाइट दिया है, और ये मेरा प्लाईवुड था बहुत पुराना, ये तो आधा टूट ही गया है, इसको भी मैंने इस तरह अरेंज किया है, और ये भी एक प्लाईवुड था, कुछ काम करने के बाद बच गया था तो उसको भी मैंने फेंका नहीं है, तो इस तरह से थोड़ा हाइट देने के लिए। तो देखिए बहुत लंबा है, ये बहुत लंबा है, इस तरह मैंने अरेंज किया है। तो देखिए वहाँ पर भी उसी का सेम वुड का एक पीस है ये। पहले जमाने में बहुत सारे इस तरह के स्टैंड जो है वो यूज होते थे, तो उसका ही मैंने यूज यहाँ पर अपने गार्डन में मैंने किए हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी एक प्लाईवुड है, उसको मैंने अरेंज किया है इसी तरह हाइट, जो भी घर में मौजूद है उसको आप यूज कर इस तरह से जो हाइट्स है वो आप पा सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने जो सीटिंग अरेंजमेंट किया है, ये भी एक पत्थर है, देखिए उसके ऊपर ईंटें, पहले थोड़ी हाइट पर थी, कुछ ईंटें मुझे चाहिए थी तो मैं इसको हाइट कम करके उसकी ईंटें जो है मैंने इस्तेमाल कर दिया है। तो इस तरह, अगर ये भी नहीं है तो आप इस तरह का जो स्टूल्स होते हैं, स्टूल्स प्लास्टिक के आजकल बहुत मिलते हैं, इसको भी आप 2-3 लाइन पर आप रख कर, तो इस तरह से जो है वो 3 लाइन, 3 से 4 आप जोड़कर एक लाइन बनाकर उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। इस तरह पैसे लगाने से अच्छा है घर में जो भी मिलता है उससे आप कर लो, तो सामान का यूज भी हो जाता है, पैसे भी बच जाता है और अरेंजमेंट भी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने जो है अपने गार्डन में अरेंजमेंट जो है वो किए हैं, और उसके साथ साथ मुझे जो है ये पिलर्स मिले हैं, ये पिलर्स जो है ये बना बनाया सा पिलर अपने छत में, उसको फिनिशिंग कर दिए थे पहले से ही, तो उसको भी मैंने यूज कर हाइट पर, कुछ प्लांट्स कभी कभी रखती हूँ, हवा के कारण गिरते हैं तो मैं कम ही रखती हूँ और स्मॉल पॉट से ज़्यादा रखती हूँ। और उसके बाद देखिए इस यहाँ पर भी एक पिलर है, मैं यहाँ से वहाँ तक भी एक अरेंजमेंट करना चाह रही थी लेकिन उतना लंबा मुझे मिला नहीं है,
तो इसी जो वुड है उसको दो पीस लगा कर मैं करना चाह रही थी, तो बहुत हाइट पर मुझे दिख रहा था तो मैंने उसको निकाल दिया। कर सकते थे वो, और उसके नीचे दो स्टेप में और बना सकती थी, मैं नहीं बनाई। तो इस तरह से जो है मैंने अपने गार्डन की कुछ अरेंजमेंट्स जो है वो मैंने किए।